अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा गाइस, आज हमारी चौथी क्लास है। इसमें मुझे बताना था आपको पॉट्स के बारे में, जिसमें मैंने कहा था पॉट्स का बहुत ही अहम रोल होता है इस हैकिंग में। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। रोल ऑफ पॉट नेटवर्किंग, इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको पॉट के बारे में बताऊँ, पॉट होता क्या है। एज एग्जाम्पल, हम एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, इसकी एक आईपी शो की हुई है, इसको 192.168.1.28। अच्छा, इसके पास आईपी है 192.168 और 0.1.30। अच्छा, इन दोनों को आपस में बात करनी है, या कोई फाइल या ट्रांसफर डेटा जो है ट्रांसफ़र करना है या शेयर करना है, जो भी कम्युनिकेशन इनके दरमियान होनी है, वो एक पोर्ट के ज़रिए होती है। नेटवर्किंग में क्या पोर्ट्स, ये एक पोर्ट्स के ज़रिए होंगी। हर पोर्ट्स का एक अपना एक नंबर होता है, 80 हो गया, टी हो गया, 443 हो गया, इस तरह इनके अपने एक नंबर्स होते हैं। अच्छा, ये बात कैसे करते हैं? एज एग्जाम्पल, हमारे पास एक घर है, घर से और एक दोस्त का घर है, ये हमारा घर, ये दोस्त का घर है। अच्छा, इसको हमें एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है। और अब हमें पता है यार, ये एक गली जा रही है 80 नंबर की। अब इस बंदे से तक बात, अपने दोस्त के घर जाकर जाने के लिए या कोई भी ट्रांसफ़र करने के लिए 80 नंबर्स की पोर्ट से जाना है। और यहीं से एक गली जा रही है 443। अगर हम बाई डिफॉल्ट ये वाला पोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी हैकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है कि हम कोई कोई भी डेटा यानी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं या पोर्ट्स के ज़रिए, तो हमें सामने वाले की पोर्ट्स पता होना ज़रूरी है। अगर इस एग्जाम्पल हमें नहीं पता हुआ और हम 80 के पोर्ट्स की जगह 443 की पोर्ट्स में जाते हैं, या कोई भी पोर्ट्स हो दूसरी उस रस्ते से जाते हैं, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट्स उनके पास, बंदे के पास मौजूद है, वही पोर्ट से हमें रास्ता चाहिए। मेन यही पोर्ट इस्तेमाल होगी, यही रास्ता इस्तेमाल होगा दोस्त के, यानी हमारे दूसरे कंप्यूटर तक पहुँचने के लिए या डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसलिए पोर्ट्स का काम इसमें बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अच्छा गाइस, इसके अंदर कितने टोटल पोर्ट्स होती हैं? इसमें 65,536 पोर्ट्स होती हैं। ठीक है गाइस, ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे कोई भी सवाल करेगा जब आप बोलेंगे आपको पता है, ठीक है, लेकिन क्या है, तो कितनी पोर्ट्स होती हैं? क्योंकि पोर्ट्स से ही हम किसी के डेटा तक जाते हैं और उसमें चेक करते हैं इसके पोर्ट्स कौन से ओपन हैं, कौन से क्लोज हैं। स्टेट्स ओपन एंड क्लोज फिल्टर्ड, जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तो उससे हमें पता लगता है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन से क्लोज्ड हैं। इसके हम ऐसे मिसाल ले लेते हैं कि एक घर है, जिसके हमने जब चेक करते हैं कि पता लगता है इन घरों के गेट खुले हैं, कोई भी आ जा सकता है आराम से इजली। फिर उसके बाद स्कैन के अंदर ये भी पता लगता है कुछ घर ऐसे हैं जिसके ताला लगा हुआ और चाबी कुछ लोग मखसूस लोगों के पास है, इससे बोलते हैं स्टेट ओपन क्लोज्ड। अच्छा, फिर इसके बाद आता है वेल नाउ, 0 से लेके 1023 तक इसकी पोर्ट्स होती है। मेन के सबको पता होता है कि यार, इस एग्जांपल 80 जो इस्तेमाल करता है पोर्ट्स नंबर 80 इस्तेमाल करता है HTTP। और उसके बाद जो सेकंड ऐसे पता होता है कि 443 हो गया, ये HTTPS इस्तेमाल करता है, ये सबको पता होता है। तो इसलिए 0 से 1023 तक पोर्ट जो होता है वो सभी को पता होता है। फिर इसके बाद आता है 1024 से लेके 49151 तक, ये रजिस्टर्ड पोर्ट होती हैं, जो सिर्फ मकसूद लोगों जो रजिस्टर्ड होते हैं उन्हीं लोगों की पोर्ट दी जाती हैं। फिर 49152 से लेके 65535 तक जो पोर्ट्स होती हैं, ये इनका काम, ये किसी को भी यानी कि पोर्ट दी सकती दिया जा सकती है, और इसकी चेंजिंग भी की जा सकती है, इसकी कोई इतनी वो नहीं होती, डायनेमिक पोर्ट्स कहलाती हैं। सही गाइस, तो ये चीज़ आपने याद रखनी, कोई भी आपसे सवाल कर सकते हैं, बताएं टोटल को पोर्ट्स कितनी होती हैं और जो हम लोग को पता होता है वो कितनी होती है, रजिस्टर्ड कितनी होती है, डायनेमिक कितनी होती हैं, तो इसको अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। ओके गाइस, अच्छा भाई, कुछ पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, फिर हूँ फिर इसके साथ साथ आगे चलते हैं, ताकि इसकी क्लास को हम ज़्यादा लंबी ना खींचें, फटाफट
जो हैकिंग के कोर्स उसको आगे सॉफ्टवेयर पे लेके आएँ। अच्छा गाइस, मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रोटोकॉल्स के नंबर की एक मिसाल है, जिसे 20 नंबर के पोर्ट्स हो गया, ये किस तरह को इसका प्रोटोकॉल क्या है, TCP। ये क्या काम करती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेटा है। इसका काम यही होता है, फाइल ट्रांसफ़र ये पोर्ट्स में जो ज़्यादा काम होते हैं वो यही होते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था ना, 1 से लेके एक आपको काउंटिंग बताई थी, यहाँ तक जो है डेटा सबको आराम से मालूम होता है ये पोर्ट्स ये काम कर रही होती हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं जैसे कि 80 नंबर की पोर्ट्स हो गई, HTTP। इसका काम क्या है, ये भी TCP प्रोटोकॉल है इसका। ये किसी भी साइट्स पे ही काम कर रही होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद आता है 443, इसमें HTTPS हो जाता है, यानी सिक्योरिटी, HTTP विथ सिक्योर सॉकेट लेयर। अब ये आपके पार्ट देख रहे हैं सबके, जिसी तरह हर पोर्ट जो होगी इसका हर एक काम होगा, क्या इसका क्या काम करना है और क्या इसकी चीज़ होती है। जब हम लोग पोर्ट्स को नेटवर्किंग स्कैनिंग करते हैं तो हमें पता लगता है यार इस साइड से ये चीज़ काम हो रही है और ये डेटा, यानी ये पोर्ट हमारी ओपन है, हमें इस काम से ही काम करना है। सही गाइस, तो पोर्ट्स की चीज़ें थोड़ी समझना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ समझाने बैठा तो मेरे ख्याल से कोर्स बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं OSI मॉडल एंड TCP एंड IP मॉडल्स। इसमें क्या क्या 5 हमारे पास चीज़ें हैं, व्हाट इज़ OSI मॉडल, हाउ इट वर्क, व्हाट इज़ TCP/IP मॉडल, हाउ इट वर्क एंड OSI VSI इसमें जो रेफरेंस है वो बताएंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ OSI मॉडल। OSI की फुल फॉर्म का है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स। ये क्या करती है, डिफाइन करती है फंक्शन डिफाइन करती हैं, डिफाइंड फंक्शन करता है। बेसिकली कर क्या रहा है, इसमें टोटल 7 लेयर्स हैं। इन्होंने जो है एक फंक्शन डिसाइड किए हुए, ये क्या करती है, हेल्प करते हैं स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन पे। अच्छा, यानी कि जब दो सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है तो अब ये OSI मॉडल क्या करता है, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब ये डिफाइन करता है फंक्शंस 7 लेयर्स के अंदर, और ये क्या करता है स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन भी वो करता है। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बताने के बाद जो है ये बॉट, अच्छा ये 7 लेयर्स कहाँ से पड़ी जाती है, बॉटम टू अप। अच्छा, बॉटम टू अप ये जो स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन से इसकी जो लेयर्स होती है बॉटम टू अप होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड कर, ये देखें बॉटम टू अप, ये आ कैसे रही है, ऊपर एप्लीकेशन लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर्स, सेशन लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स, डेटा लिंक लेयर्स, फिजिकल लेंस। लेकिन इन सबको पढ़ा कैसे जाता है, काम कैसे करती है, ये फिजिकल नीचे से पढ़ा जाता है इसको। इस तरह मैंने अभी बताया था कि बॉटम टू अप काम करती है, फिजिकल लेयर्स, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स। अच्छा, ये काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ, ये कैसे स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, कैसे करती है। अब ये फिजिकल लेयर से क्या काम करती है, बिट स्ट्रीमिंग का काम करती है। ये जो हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है ये हमारी बिट स्ट्रीमिंग में काम कर रही होती है। इसके बाद डेटा लेयर क्या कर रही होती है, जो हमारी एरर्स हो रही होती है उसको ये ख़त्म करती है। अच्छा, नेटवर्क लेयर्स क्या कर रहे हैं, डेटा लेयर्स क्या कर रहा है कि हमारी जो डेस्टिनेशन IP है, जो सोर्स IP है, उसके दरमियान जो है उस पर काम कर रहा होता है ये। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रहा होता है, एक अप्रोक्सीमेट देगा हमें, ये हमें बताएगा कि ये जो पैकेट है हमारा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं। फिर इसके बाद सेशन से ऐसे, सेशन से ऐसे क्या करता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो बीच में एक सेशन से ऐसे होता है। अब ये सेशन जो है कनेक्टेड ही रहे, अब उसमें हेल्प करता है, अगर हम डिसकनेक्ट हो जाते हैं दोबारा हमें कनेक्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, जब वो एक्टिव नहीं होगा सामने वाला तो ये डिसकनेक्ट कर देगी, जब एक्टिव होगा ये ऑटोमेटिक हमें कनेक्ट कर देगा। अच्छा जी, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन लेयर्स। प्रेजेंटेशन लेयर्स क्या करता है, ये डेटा को इंक्रोड करता है, फिर इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करता है इसके अलग लिए। अच्छा, इसके बाद आता है एप्लीकेशन लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये जो जितनी भी हमारे पास जो हाईलाइट लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर्स होती हैं। अब जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि क्लाइंट ने जो है अपना डेटा ट्रांसफ़र किया है, अब जैसे ही वो क्लाइंट से जो होते हुए जाएगा सर्वर के पास, तो किस तरह जाता है,
और इसी तरह ये आएगा फिजिकल लेयर्स, डेटा लिंक्स लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर्स होते हुए, सेशन लेयर्स होते हुए, प्रेजेंटेशन लेयर्स होते हुए, एप्लीकेशन लेयर्स पे आता है। अभी समझो सारी जो लेयर्स हैं, जो डेटा शेयर्स कर रहा है और जो डेटा रिसीव कर रहा है, ये सारी लेयर्स उसमें काम कर रही होती हैं OSI के ज़रिए, क्योंकि ताकि जो डेटा आ रहा है, जो जा रहा है, वो प्रॉपर तरीके से काम करे और जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो। ये सारे काम जो है जो OSI मॉडल से देखती है, सही है। और OSI की वजह से ही हमारे जो कंप्यूटर में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, वो OSI की वजह से ही हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा जो मैंने अच्छा इसके बाद जो हमने पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द TCP/IP मॉडल, जिस तरह मैंने भी बताया उसमें सेवन लेयर्स होते हैं। इसका TCP का जो नाम है पूरा क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये OSI मॉडल वर्जन कहलाता है। उसमें जिस तरह मैंने बताया कि सेवन लेयर्स होती है, इसमें 4 और 5 लेयर्स होती है। ये प्रैक्टिकल मॉडल यानी फिजिकल से काम होता है और ओवर वैन होता है। अच्छा गाइस, अब इस तरह की मैंने भी बताया था आपको कि इसमें 7 लेयर्स होती हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। इसकी एक लेयर्स जो काम कर रही है, 4 काम कर रही होती है TCP की, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशंस एंड सेशंस, ये सारे काम एक एप्लीकेशन में हो रहे हैं TCP में। फिर इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट काम हो रहा होता है सेम है, नेटवर्क काम सेम है, और नेटवर्क इंफ्रेंस जो काम होता है वो डेटा लिंक फिजिकल हो रहा होता है। इसके बाद आता है व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, हाउ TCP वर्क, टॉप 3 वे हैंडशेक एंड TCP/UPD। मिसाल देखिए TCP/IP क्या काम कर रहा है। TCP/IP किस में काम करता है, सबसे पहले वैन में काम करता है। सेम सारी चीज़ें, सिर्फ इसका फर्क यह है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और ये जो होता है बस इसका प्रैक्टिकल जो है दूसरी वाइड एरिया नेटवर्क में उगर दिया है। अब जिस तरह कि हमने जो OSI में पढ़ा था, OSI में 7 लेयर्स थे, इसके अंदर कितने लेयर्स हैं, सिर्फ 4 लेयर्स हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है। सिर्फ फ़र्क ये, अगर कोई भी आपसे सवाल पूछे कि OSI और TCP/IP लेयर क्या है, अच्छा दोनों के अंदर ही सेम चीज़ें स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन होती हैं, बस ये है कि ये प्रैक्टिकल यूज़ हो रहा है। आगे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, हाउ TCP वर्क, एंड टॉप 3 वे हैंडशेक एंड TCP/VS/UPD। जिस तरह क्या मैंने आपको बताया था अभी, एक फ़र्क बताया था OSI पे और उस पर, तो अब मैं आपको इस पर एक फ़र्क दिखाता हूँ TCP। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल क्या है, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं हम लोग। मैंने ये वो बनाया हुआ है कि कैसे काम नहीं कर रहा होता है। मेन के TCP में एप्लीकेशन जो काम कर रही होती है, HTTP, DNS, DHCP और FTP का प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है। इन सेशन तक 3 जो मैंने बताई थी, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन पे, एप्लीकेशन में सिर्फ ये एक ही पे ही ये सारे प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं। दूसरा आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे जो काम कर रहा होता है TCP/UPD, सेम चीज़। फिर तीसरे पे जो इंटरनेट पर प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है IPv4, IPv6, ICMP PV4, ICMP PV6, सेम चीज़। फिर उसमें नेटवर्क एक्सेस पर जो काम कर रहा होता है PPP फ्रेम रिले और फिजिकल और नेटवर्क एक्सेस पर काम कर रहा होता है। ये सारा प्रोटोकॉल का काम हो रहा होता है। ये देखिए मैंने नीचे बनाया हुआ है IP पैकेट, यूज़र डेटा, TCP सेगमेंट, यानी कि दो जो कंप्यूटर अपने कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो सारे इस प्रोटोकॉल से गुजरते हुए अपने काम को कम्प्लीट करते हैं। अच्छा, ये TCP वर्क काम कैसे करता है, इसके मैंने 6 फ्लेक्स बनाए हुए हैं, जिस तरीके इसके हमारे शॉर्टकट्स की होती है, जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अर्जेंट यानी कि डेटा कंटेंट इन द पैक शुड बी प्रोसेस इमिडिएटली। फिर इसके बाद आता है फिनिश, यानी कि जैसे हमारा डेटा कंप्लीट हो जाता है, हमें फाइन लिख के उसको वो करते हैं, देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन, जो हम डेटा और नहीं भेजना, तो हम फाइन लिख के जैसे करते हैं उसको, डेटा जो है वहीं स्टॉप हो जाता है, फिनिश हो जाता है। रीसेट में कनेक्शन ही, तो RSTs के शॉर्टकट से और सिंपल वर्डों में रीसेट्स आ कनेक्शंस। पुश, ये भी आप लोगों को इतने कोई वो नहीं है, PSH आपको सब पता है, इसका शॉर्टकट ये है जो 6 फ्लैग्स होगा, सेंड्स ऑल बफर डेटा इमिडिएटली। अच्छा, इसके बाद आता है ऐसे की एक्नॉलेजमेंट, ऐसे की इसका शॉर्टकट्स की है, एक्नॉलेज द रिसिपिएंट ऑफ अ पैकेट। फिर इसके बाद आता है SYN, सही है सर। अब मैं आगे चलते हैं
अब जिस तरह की TCP/3 वे मैंने बताया था कि हैंडशेक, यानी कि जैसे ही बंदा उस पर बात करता है तो सबसे SYN लिख के भेजेगा, हाँ भाई ये डेटा मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ भाई SCK, उसने इसको रिप्लाई में कि SCK सही, वो भी रिप्लाई में SCK कहेगा, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र हो गया। और जैसे उसको फिनिश करना होगा FIN, जो मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी फिन, तो इसी तरह डेटा ट्रांसफ़र से लेके यहाँ तक कि प्रोटोकॉल पर चल रहा होता है। अच्छा भी, अभी हम लोग आगे बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन नेम एंड DNS एंड जोन लाइव फाइल। अच्छा मैं थोड़ा फास्ट फास्ट इसलिए बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट कट में कि यार हमारी क्लास लंबी भी लंबी होती है, बहुत सारे लोगों ने कहा हम डायरेक्ट उसमें आना चाहते हैं यार, या जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैं छोटी छोटी आपको सिर्फ लिंक बता रहा हूँ किस तरीके से काम होगा। फिर हम जब सॉफ्टवेयर यूज़ करने आएंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर हमारे लोग कंटिन्यूसली काम कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ डोमेन नेम, व्हाट इज़ द DNS, रिकॉर्ड DNS एंड देयर यूज, व्हाट इज़ द जोन फाइल्स, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो छोटी 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 बता रहा हूँ ना, इसको ज़रूर 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 देखना है। अगर आपने नहीं देखा तो वही बात है कि आप लोग नहीं करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। अच्छा सिंपल चीज़, अब मैं आगे बताता हूँ आपको, व्हाट इज़ IP, नेम ऑफ IP, ईजी टू रिमेंबर, google.com और फेसगेट वगैरह। अच्छा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, डोमेन नेम क्या है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसको, जब हम कोई वेबसाइट चला रहे होते हैं, जब इंटरनेट पर जा रहे होते हैं, जब किसी डोमेन का नाम लिखते हैं google.com या facebook.com कुछ भी, और जब हम जैसे ही नाम लिखते हैं, जैसे ही हम ये नाम लिखते हैं तो एक सिस्टम तक जाता है, सिस्टम के ज़रिए हम जो सर्वर है उसके ज़रिए हम उसकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। जब डोमेन नेम जो है वो इसी जो नाम लिखते हैं इसी का नाम होता है। अच्छा डोमेन नेम ये काम कैसे करता है, अच्छा जी ये काम कैसे कर रहा है, ये एक डोमेन जो एक IP से कनेक्टेड रहता है हमेशा, याद रखें। अब डोमेन नेम क्यों बनाया है, पहले आप एक पहले ये सोचें कि बहुत सारे डिजिट्स होते हैं कि एक IP डिजिट्स की होती है कि 192.168.168.1.26। अब सारी IPs हम याद नहीं कर सकते कि हर एक डोमेन के एक IP दिया था कि ये आपका नाम है और इस तरह काम करना है। इसी तरह डोमेन्स को क्या किया जाता है, इसको इजी रखने के लिए एक नाम दे दिया, नेम दे दिया, इसको कहते हैं डोमेन नेम, कि एक सर्वर के IP का नाम रख दिया। व्हाट इज DNS, जिसमें मैंने आपको बताया था डोमेन नेम सर्वर्स, इसका होता है डोमेन नेम सर्वर्स होता है, और इसके एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट भी इसको कहा जाता है। अच्छा इसको एक IP दी जाती है, IP के बाद मैंने जिस तरह बताया था कि IP के अंदर जो हम जिस तरह एक नंबर सेव करते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर, उसके अंदर हम नाम भी लिखते हैं, नंबर भी लिखते हैं, नंबर लिखने के बाद जो है हम उसका एड्रेस भी लिखते हैं, यानी कि उस पूरा उसका रिकॉर्ड रखते हैं। इसी तरह एक डोमेन जब नाम IP देता है, IP के साथ उसको एक नाम भी देता है, जैसे फेसबुक गूगल वगैरह, उसके बाद उसके अंदर जितना काम हो रहा होता है वो स्टोर ऑल डेटा इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड इन जोन फाइल्स, यानी जोन फाइल की उसमें ही सेव रखता है। तो ये है DNS। नहीं गाइस, अब ये जो हमारी पढ़ने लिखने की क्लास थी इसको क्लोज करके हम आते हैं सीधे सॉफ्टवेयर पे, और किस तरीके से एथिकल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, किस तरीके से पोर्ट चेक किए जाते हैं, किस तरह पैकेट चेक किए जाते हैं, किस तरह काम होता है। अब हम आएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। अभी तक तो हम सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें समझा रहा था मैं, इसलिए कि आपको तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी, किस तरह कम्युनिकेशन होती है, किस तरीके से नेटवर्किंग के ज़रिए एक खुले घर में घुसा जाता है कि, और उसको हम लोग कैसे सेव केयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी। अब इंशाल्लाह जो 5th क्लास होगी, अभी और भी चीज़ सिखाने की थी, लेकिन बात वही है कि मैं जितना खींचते जाऊँगा उतने खींचते जाएगी, क्योंकि वक्त भी कम है और आप लोग सीखना भी जल्दी जल्दी चाहते हैं, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके मैसेज आए थे हम सर थोड़ा जल्दी करें और उस पर आ जाएँ सॉफ्टवेयर पर आ जाएँ। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से इस्तेमाल होंगे और किस तरीके से होंगे, और ये जो आपके जो कंप्यूटर में डाउनलोड करके और इंस्टॉलेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करनी है। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल की तरफ। ओके गाइस, तो मिस मत कीजिएगा अगली क्लास को, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह बताऊंगा एथिकल हैकिंग के लिए। थैंक यू गाइस, बाय।